रतन सूत्र नंबर 10 और 11। रतन सूत्र यानी कि महामारी का विजय सूत्र या महामच्चु विजय सूत्र या महामच्युंजय सूत्र या महामृत्युंजय सूत्र या सूत्र, यानी कि आप अगर कहीं महामारी है, महामारी का मतलब है जहां बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं या मरने वाले हैं या दुखी हैं या कष्ट में हैं, बहुत बड़ी संख्या में हैं, उसको महामारी बोलते हैं। महा माने बड़ा और मारी माने मार, यानी कि उससे कष्ट से परेशान है। बहुत तरह की मार हो सकते हैं, 10 तरह की मार है, किसी भी तरह का दुख हो सकता है। मृत्यु लास्ट है, मार का जो सबसे आखिरा काम है वो है व्यक्ति को मारना, जिसमें वो सफल हो जाता है। तो इसका रतन सूत्र का ये 10वां और 11वां है, दोनों एक ही हैं बेसिकली। इसमें तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन तीनों का मैंने वीडियो आपको बनाया है, इससे पहले आप जरूर देख लें, उनके शब्द यहां आएंगे। इस प्रकार से है, सहावस दस्सन संप्रदाय तयस्सु धम्म जहिता भवान्ति सक्ताय दिट्ठि विचिकित्सितं च सिलब्बतं वा पी यद अत्थि किंची। सहावस का मतलब होता है साथ में वस करने वाला, वास करने वाला, रहने वाला। दस्सन संप्रदाय का मतलब होता है जिसको दस्सन प्राप्त किया हो, यानी दस्सन प्राप्त के क्या मतलब है, जिसने धम्म को देखा हो, धम्म का दर्शन प्राप्त किया हो, जो सोतापन्न हो, यानी धम्म के पहली सीढ़ी पे चढ़ चुका हो, सोतापन्न हो। तयस्सु, तयस्सु माने होता है जो, यानी जिस पर या जिस में, और धम्मा माने होता है प्राकृतिक नियम या प्राकृतिक बंधन। जहिता माने होता है, जहती माने होता है छोड़ता है, छोड़ा, और भवंती माने है होते हैं। सक्काय दिट्ठि का मतलब है जो अपनी काया को, द एग्जिस्टिंग बॉडी को देखता है, जो उसकी बॉडी है उसको देख ले, उसको बोलते हैं सत्काय दिट्ठि। विचिकित्सितं, विचिकित्सितं का मतलब है जो संदेश है, जो धम्म के प्रति जो संदेह है उसको देखना, उसको जानना। चय माने और है, सीलबतं माने हैं सील के व्रत, यानी सील परामर्श या सील परामास, सील के नियम जो नहीं माने हैं। सील परामास या सील परामर्श या सीलबतं, यानी कि ऐसी झूठी बातें, तत्वहीन झूठी बातें जिनको धारण करने से आप धम्म में आगे नहीं बढ़ सकते, तो उनको व्रत रहना होता है, अलग रहना होता है, उसको बोलते हैं सीलबतं। वा माने या, पी माने भी, यदत्ति माने यदि है कोई, अत्ति माने कोई है, अत्ति माने होता है, किंची माने कोई। इसका मतलब यह हुआ कि जो साथ में रहता है, जो दर्शन प्राप्त है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो सोतापन है और जो साथ में रहता है और जिसने धम्म का दर्शन किया हुआ है और सारे के सारे जितने भी बंधन हैं वो छोड़ चुका है, यानी कि वो सत्काय दृष्टि में जितने बंधन हैं वो छोड़ चुका है। विचिकित्सा यानी संदेह छोड़ चुका है, सत्काय दृष्टि छोड़ चुका है और सीलबतं छोड़ चुका है, या कोई अन्य भी अगर उसके कोई व्याधा है तो वो छोड़ चुका है, ऐसे व्यक्ति का वास। इसमें अगली गाथा इस प्रकार है, चतु पाये ही चे विप्पमुत्तो छच्चा भिठानानी ए भब्बो कातुं इदंपि संघे रत्नं पड़ितं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। चतु पाये ही, चतुपाय का मतलब है, चतु माने चार, अपाय माने नरक, यानी कि कष्ट, कष्ट की डिग्रियां हैं, चार कष्ट की डिग्रियां जो हैं। छे माने और विप्पमुत्तो माने हैं जो उनसे मुक्त हो गया है, विमुक्त हो गया है। छज्जा भिठान आनी, छज्जा भिठान आनी का मतलब है छह उच्च अभिठान आनी, यानी छह उच्च, जो छह सबसे ऊंचे जो स्थान है किसके हैं, ए भब्बो कातु, ए भब्बो माने जो नहीं करने चाहिए, कातु माने नहीं, कभी नहीं करने चाहिए, यानी छह सबसे ऊंचे वो काम जो कभी नहीं करने चाहिए, कौन से हैं,
माता की हत्या, पिता की हत्या, औरत की हत्या, भिक्कु की हत्या, या संघ में भेद करना, और या फिर किसी ऐसे आचार्य का, ऐसे व्यक्ति का, ऐसे गुरु की बात मानी जो झूठा है। ये चार कर्म जो सबसे ऊंचे पाप कर माने जाते हैं, जो इनको नहीं करता, जो इनसे विमुक्त है। इदम्पि संघे रत्नंग पणितंग, यह भी संघ में एक रत्न है सबसे श्रेष्ठ। पणितंग माने होता है सबसे श्रेष्ठ रत्न, संघे माने संघ में। एतेन सच्चेन, इस सच्चे सुवत्ति होतु, इस सच्चे वचन से जो ये महामारी आई है सारे पूरी पूरे वैशाली के अंदर, इस पूरी महामारी का विनाश हो, सारे प्राणी सुखी हो, सारे प्राणी शुद्ध हो जाएं, अच्छे हो जाएं। ये है रतन सूत्र नंबर 10 और 11। हिंदी में इस प्रकार, ये सरल इस प्रकार से है, सोता फन प्राप्त, सोता फल का यानी सोता पति फल जो होता है उसके जो प्राप्त है, उसके तीन बंधन टूट जाते हैं। कौन कौन से तीन बंधन टूटते हैं? एक तो उसकी सत्काय दृष्टि, जो आत्म सम्मोह होता है, यानी कि जो अपने आप को देख के सम्मोहित होता है, वो टूट जाता है। एक जो उसकी विचिकित्सा है, यानी संशय है, जो उसके अंदर जितने भी डाउट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। और एक जो उसके कर्म कांडों का या झूठी बातों का जितना भी उसके अंदर भरा हुआ है, या जो मिथ्या आचरण है, वो सारा सारा चला जाता है। इसके अलावा कोई और भी हो वो भी चला जाता है। वह चार अपाय, यानी कि चार जो सबसे बड़े नरक की गति हैं, उनसे मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। और छह सबसे बड़े पापों को वो कभी नहीं करता, यानी जो छह दुनिया में सबसे बड़े पाप हैं उनको वो कभी नहीं करता। ये भी संघ में सबसे उत्तम रत्न है, सबसे बढ़िया बात है। इन बात से भी सबका भला हो, ये बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि आपको मैंने बताया है कि सत्काय दृष्टि क्या होती है, यानी जो व्यक्ति, जो मनुष्य, जो भिक्कु, जो भिक्कुणी सत्काय दृष्टि को छोड़ देता है, और भी चिकित्सा को छोड़ देता है, सीलबतंग को छोड़ देता है, या कोई अन्य कर्मकांड है उसको छोड़ देता है, और जो कभी छह सबसे बड़े पाप जो दुनिया में होते हैं उनको कभी नहीं करता, उसको जो चार प्रकार के जो नरक हैं वो कभी नहीं छूते, उनमें वो कभी नहीं जाता। ये बात बहुत ऊंचे दर्जे की बात है, ये पूरे धम की बात है इस संघ में। इसलिए इस बात के, इस पॉजिटिव बात से, इस अच्छी बात से जितने भी प्राणी हैं वो सारे सारे अच्छा महसूस करें, पॉजिटिव एनर्जी महसूस करें, और जितने भी नुकसान कर रहे हैं वो नुकसान बंद करके सबका फायदा करें, ऐसा इसमें बताया गया है। धन्यवाद। Shut up.